हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनलिमिटेड एजुकेशन पे। मैं हूं अभिजीत कुमार। बात करने जा रहा हूं आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम के बारे में। मैंने स्टार्ट कर दिया है आप लोगों का क्रैश कोर्स, ठीक है। और इस समय हम लोग बात करेंगे 500 प्लस एमसीक्यूज विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इन जनरल साइंस फिजिक्स। इसी तरह से केमिस्ट्री का भी लेक्चर आएगा, इसी तरह से बायोलॉजी का भी लेक्चर आएगा। और आप सभी को पता है कि जनरल साइंस कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आपको ये भी पता है कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। अगर ये 500 प्लस एमसीक्यूज आप देख लेते हो तो मोर देन 5000 प्लस क्वेश्चंस का आंसर आप लर्न कर लोगे। याद रखना, ये है सेट वन, और इसमें हम लोग देखेंगे टोटल नंबर ऑफ 20 क्वेश्चंस। इसी तरह से सेट टू आएगा, सेट थ्री आएगा, सेट फोर आएगा। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को इच एंड एवरी कॉन्सेप्ट जो मैं दूंगा, जहां पे याद करने के लिए बोलूंगा वहां पे याद कर लेना, और ये सारा सेट आपको देखना है। फिर देखो कैसे सक्सेस मिलता है। सक्सेस का फुल गारंटी मैं लेता हूं, कंडीशन यही है कि आपको जैसे जैसे बोला जाए वैसे वैसे पढ़ना है। अब जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं, यहां पे एक चीज आप लोग और करना, मेरे आंसर करने से पहले आप लोग भी कॉपी में लिख लो, क्वेश्चन नंबर वन से 20 लिख लो और सारे का आंसर करो। फिर मैं जो बताता हूँ उससे मैच करो और देखो कि आप लोगों का कितना आता है। अगर 15 प्लस ले आते हो आउट ऑफ 20, मतलब आपका प्रिपरेशन लेवल सही है, आप आसानी से जॉब ले सकते हो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASLV? ये ASLV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इसको आप लोग देख लेना, ये सब चीज देखने से ही आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग टू देख लेते हैं। विच टाइप ऑफ फ्यूल इज यूज्ड बाय GSLV इन इट्स ऑपरेशंस? अब आप ही लोग बताओ GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है। आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है। क्वेश्चन नंबर वन में था ASLV, लेकिन कोई गारंटी है क्या जो एग्जाम में ASLV ही आएगा? एग्जाम में GSLV भी तो आ सकता है ना। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या होता है इसका फुल फॉर्म, मैं राइट कर देता हूँ, आप लोग भी नोट डाउन कर लेना। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म होता है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किस टाइप का फ्यूल हम लोग इसमें यूज करते हैं? तो हम लोग जो फ्यूल यूज करते हैं वो पहले स्टार्टिंग में सॉलिड कंडीशन में रहता है, सॉलिड फेज में होता है, और उसके बाद वो लेटर स्टेज में जाके, सेकेंड स्टेज में जाके लिक्विड में रहता है। तो सॉलिड इन फर्स्ट स्टेज एंड लिक्विड इन सेकेंड स्टेज। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। व्हेन द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो वाज सेटअप? तो सबसे पहली बात, आपको इसका फुल फॉर्म याद होना चाहिए। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब आप ही मुझे बताओ ये कब फाउंड किया गया था, ये फाउंडेड कब हुआ था इसरो? तो ये हुआ था 1969 में। इसका डायरेक्टर कौन है बताओ? हर एक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। इसका डायरेक्टर है KSIVAN, ठीक है। चलो इसके आगे, इसका हेडक्वार्टर बताओ कहाँ है, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, बेंगलुरु में। चलो और कौन सा क्वेश्चन बचा, इसका फाउंडर कौन है बताओ, इसरो का फाउंडर बताओ कौन है? कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, इसका फाउंडर है विक्रम साराभाई, और यहाँ से फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी इसको बोला जाता है, विक्रम साराभाई। अब देखो यहाँ से मैंने कितना सारा क्वेश्चन कवर किया, रेलवे के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आप कह सकते हो। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हुआ इसरो का फुल फॉर्म, ये आपका 1969 में आया, इसका डायरेक्टर KSIVAN है, अभी हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, और इसरो का फाउंडर विक्रम साराभाई है, और विक्रम साराभाई को फादर ऑफ इसरो भी बोला जाता है। तो आप ही लोग बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा,
1969। इतना सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। अगर आप लोग वीडियोज को लाइक नहीं किए हो तो आप लोग वीडियोज को लाइक कर दो, और चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसरो का हेडक्वार्टर आ गया ना, अभी मैंने यहाँ पे देखो साफ साफ आप लोगों को बता दिया है इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु में है, तो इसरो का हेडक्वार्टर हो जाएगा बेंगलुरु। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से मैं आपका 500 क्वेश्चंस 2020 क्वेश्चंस का सेट करवाऊंगा, और आप लोग मेरे आंसर टिक आउट करने से पहले आंसर करना, फिर मेरा आंसर देखना, काउंट करना, एटलीस्ट 15+ आप लोगों को आना चाहिए आउट ऑफ 20। समझ जाना कि आपका प्रिपरेशन अच्छा है, और नहीं है कोई बात नहीं है, सिर्फ फॉलो करो और जैसे जैसे लेक्चर आए वैसे वैसे देखो, हर एक चीज याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी आपको बताओ मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था ना कि इसरो जो है सो 1969 में आया, यहाँ पे दिया हुआ है 62, तो ये गलत हो गया, और आपसे क्या पूछा जा रहा है, नॉट ट्रू, तो मेरा ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इसरो रिपोर्ट्स टू डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ये सही है। द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड इन इंडिया वाज आर्यभट्टा, याद कर लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडिया कौन सा था, आर्यभट्टा। और ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर विक्रम साराभाई इज नोन एज द फादर ऑफ इसरो, इसको भी याद कर लेना, ये सब एक एक लाइन अपने आप में एक क्वेश्चन है। तो आपको क्या क्या पता चला यहाँ से, आपको ये पता चला कि फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड इन इंडिया वाज आर्यभट्टा, डॉक्टर विक्रम साराभाई इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो जो है सो 1969 में आया था, इसका डायरेक्टर के सिवान है, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, ये सारा चीज आपको इसरो के बारे में पता चला। अब देखो फुल फॉर्म इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि फुल फॉर्म अगर आपको आता रहेगा तो वहां से भी आप क्वेश्चन बना सकते हो। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है IRNSS क्या है, नेविगेशन सैटेलाइट है या स्पेस मिशन है या मार्स मिशन है या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, आपको नहीं पता है लेकिन आपको इसका फुल फॉर्म आता है तो आप आंसर कर सकते हो। IRNS का फुल फॉर्म होता है इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, देखो इसके फुल फॉर्म में ही लिखा हुआ है नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेविगेशन सैटेलाइट। मैं इसका फुल फॉर्म लिख देता हूँ IRNSS। तो आप लोगों को इसका फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए, IRNSS, इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, और यहाँ फुल फॉर्म से ही आप इसका आंसर आसानी से कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, हु वाज द इंडियाज फर्स्ट मैन वुमेन इन द स्पेस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मैन या वुमेन फर्स्ट बताना है, तो सबसे पहले स्पेस में कौन गया था, आप सभी को पता होगा सबसे पहले गया था राकेश शर्मा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राकेश शर्मा। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पे है, अब आप बताओ इसका एक और नाम है, सतीश धवन स्पेस सेंटर का एक और नाम है जिसको SHAR सार बोलते हैं, और सार का मतलब है श्री हरिकोटा रेंज। क्या है इसका मतलब, श्री हरिकोटा रेंज, ठीक है, इसी का दूसरा नाम है। और ये ऑपरेट किसके द्वारा होता है, सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है ये ऑपरेटेड बाय इसरो। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो अब आप ही बताओ लोकेटेड कहाँ है, तो ये लोकेटेड, इसका नाम देखो मैंने अभी आपको बताया ना, सतीश धवन स्पेस सेंटर का दूसरा नाम है श्री हरिकोटा रेंज। तो यहाँ से आप पकड़ सकते हो कि सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ है, तो श्री हरिकोटा में है, सिंपल सा फंडा आसानी से, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं,
व्हाट वाज द चंद्रयान वन, चंद्रयान वन क्या था? तो देखो चंद्रयान वन है ल्यूनर प्रोब, ल्यूनर प्रोब है। और ये कब लॉन्च हुआ था? तो ये लॉन्च हुआ था आपका इसरो के द्वारा 2008 में। मैं लिख देता हूँ, लॉन्च्ड बाय इसरो, इसरो इन 2008। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, चंद्रयान वन 2008 में लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा और ये आपका ल्यूनर प्रोब था। और कहाँ से लॉन्च किया गया, कहाँ से लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर भी होगा श्री हरि कोटा। ठीक है, इतना सारा डिटेल में पढ़ो। रेलवे किसी का नहीं है, कुछ भी पूछ सकता है कहीं से भी। और इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे कि आता है अक्सर, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ DRDO। अब आप ही लोग बताओ DRDO के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो DRDO का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस आप लोग लिखो, साथ ही साथ लिखो, ऐसा लगेगा जब आप लेक्चर देखोगे तो आपको लगेगा कि अब याद रहेगा, लेकिन दो तीन दिन के बाद आप भूल जाओगे। इससे अच्छा है कॉपी में नोट डाउन कर लो, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलो अब आप ही लोग बताओ DRDO का फुल फॉर्म समझ गए, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेड क्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। चलो अब एक चीज और बताओ, ये कब आया, ये कब आया? तो ये आया आपका, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है 1958 में। इसरो कब आया? इसरो आया 1969 में। DRDO कब आया? 1958 में। और इसका चेयरमैन कौन है? तो इसका चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी, जी सतीश रेड्डी। ठीक है, इतना सारा डिटेल्स आपको याद रखना है। अब यहाँ से क्वेश्चन देखो, आप आसानी से कर लोगे। हेडक्वार्टर ऑफ DRDO कहाँ है? तो अभी मैंने बताया, यहाँ पे देखो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। अगर क्वेश्चन आता कि इसका फुल फॉर्म क्या है तो आप बना दोगे, क्वेश्चन आएगा इसका फाउंडेड ये कब हुआ था तो बना दोगे, चेयरमैन का क्या नाम है तो बना दोगे। तो इतना सारा कंसेप्ट हम लोग यहाँ से देखे। अब हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मार्स मिशन ऑफ इंडिया। अब आप लोग मार्स मिशन सुने होंगे, मार्स मिशन इसी का एक और नाम है मंगलयान, इसी का एक और नाम है मास ऑर्बिटल मिशन। ठीक है, मिशन और इसी का एक और नाम क्या है? मंगलयान, मंगलयान। तो कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, मंगलयान भी पूछ सकता है और मार्स ऑर्बिटल मिशन भी पूछ सकता है। तो ये आया था आपका 5 नवंबर 2013 में। तो आपसे क्या पूछा गया? नॉट ट्रू, तो ये तो गलत हो गया। 13 में आया था, 2013 में आया था। इट वॉज लॉन्च्ड ऑन 5 नवंबर 2013। इट वॉज इंडियाज फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन। इसरो हैज बिकम द फोर्थ स्पेस एजेंसी टू रीच मार्स। याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसरो का ये रैंक पूछ देगा फोर्थ फिफ्थ थर्ड। इंडिया इज द फर्स्ट एशियन नेशन टू रीच मार्स ऑर्बिट, ये सारा आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर इज थम्बा इक्विटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। अब यहाँ पे देखो फिर से आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? थम्बा इक्विटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। और आपको ये पता है कि थम्बा एक प्लेस का नाम है, तो इससे भी आप कर सकते हो। थम्बा जो है वो आपका तिरुवनंतपुरम में है। थम्बा कहाँ है? थम्बा आपका तिरुवनंतपुरम में है। और तिरुवनंतपुरम कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम केरला में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ,
थंबा कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम। और ये कहाँ पे है? ये है केरला। तो आपको जो रहे, केरला रहे, तिरुवनंतपुरम रहे, थंबा रहे, आप आसानी से कर दोगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, वेयर इज विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर? फिर से उसी तरह से, ये भी आपका तिरुवनंतपुरम में है, केरला में है। ये भी आपका तिरुवनंतपुरम में है, केरला में है। लेकिन यहाँ पे देखो कितना अच्छा से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन में ऑप्शन देखो, ए देखो तिरुवनंतपुरम दे दिया है और सी देखो केरला दे दिया है। अब क्या करोगे? तो कभी कभी क्या होता है, बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है। तो जब आपको तिरुवनंतपुरम दे दिया है एक स्पेसिफिक प्लेस, तो हम लोगों का राइट आंसर यही हो जाता। अगर चारों स्टेट का नाम रहता तो हम लोगों का फिर केरला हो जाता। तो ये उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? आर्यभट्ट। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, आपको यहाँ से चार पांच क्वेश्चन याद हो जाएगा। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस कहाँ पे है? तो ये नैनीताल उत्तराखंड में है, ये सही है। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस नैनीताल में है, ये राइट है। एस एन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस कोलकाता में है, सॉल्ट लेक कोलकाता वेस्ट बंगाल, ये भी सही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स इज इन उड़ीसा, ये गलत है, ये है आपका कर्नाटका में। कहाँ है? कर्नाटका में, या बेंगलुरु कह सकते हो, बेंगलोर में, बेंगलोर में। ठीक है, आपका उड़ीसा दिया हुआ है, गलत हो जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म कहाँ है? तो ये आपका मुंबई में है, ये सही है। आपको फॉल्स बताना था, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये चारों आपको याद रखना है। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस नैनीताल में है, एस एन बोस कोलकाता में है, जियो मैग्नेटिज्म मुंबई में है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो है वो कर्नाटका या बेंगलोर में है, उड़ीसा में नहीं है। अब यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं, चीफ ऑफ द एयरफोर्स, एयरफोर्स के चीफ को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं एयर चीफ मार्शल, याद रखना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चीफ ऑफ द एयरफोर्स को क्या बोलते हैं? एयर चीफ मार्शल। और अभी कौन है आपका बताओ, अभी कौन है? अभी है आपका बीरेंद्र सिंह धनोआ। तो ये भी नाम याद रखना, ये भी नाम याद रखना। इतना बढ़िया से एक एक चीज आपको नहीं कोई बताएगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे एक्सपीरियंस है रेलवे में, कैसा कैसा क्वेश्चन आता रहता है, कहीं से वो कुछ भी पूछ सकता है। इसीलिए आप लोगों को पता ही है एएलपी में मैंने कैसे पढ़ाया था बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो जिसने भी अच्छा से पढ़ा सभी का सिलेक्शन हुआ। तो अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, डिटेल्ड स्टडी करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। मजाल है क्या रेलवे का जो कहीं बाहर से आ जाए कोई सा भी क्वेश्चन? तो आपको क्या पता चला, चीफ ऑफ द एयर फोर्स बोलते हैं एयर चीफ मार्शल को, और वो कौन है? बीरेंद्र सिंह धनोआ है। चलो अब देखो यहाँ पे इंडियन आर्मी के बारे में आ गया। इंडियन आर्मी का ये सारा रैंक है, तो आपको बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है कि सबसे बड़ा पोस्ट कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है। तो फील्ड मार्शल सबसे बड़ा पोस्ट होता है आपका इंडियन आर्मी में, उसके बाद जनरल होता है, फिर ये, फिर मेजर जनरल। तो सिर्फ फील्ड मार्शल अगर आपको पता रहेगा ना, तो आप उसी से ऑप्शन रिजेक्ट कर दोगे। इसीलिए मैं बता रहा हूँ याद रखना, फील्ड मार्शल इंडियन आर्मी में फील्ड मार्शल याद रखना, और एयर फोर्स में एयर चीफ मार्शल याद रखना। इसमें भी मार्शल है और इसमें भी मार्शल है, तो याद रखना आसान होगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग मिसाइल वर्क्स ऑन द थ्योरी? आप लोग पढ़े होंगे हिंदी में दागो और भूल जाओ, आप लोग पढ़े होंगे दागो और भूल जाओ। तो वही क्वेश्चन है, फायर एंड फॉरगेट। तो इसका आंसर है नाग, नाग को बोला जाता है फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ। अब ब्रह्मोस क्या है, आकाश क्या है, और सौर्य क्या है? तो देखो ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये आपका एक क्रूज मिसाइल है,
जिसको कहीं से हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं, कहीं से भी, लैंड से कर सकते हैं, शिप से कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट से कर सकते हैं, सब मैरिन से कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। आकाश क्या है बताओ? आकाश है आपका सरफेस टू एयर मिसाइल है। और सौर्य क्या है बताओ? तो ये आपका सरफेस टू सरफेस है। क्या? तो मिसाइल, ठीक है। और नाग क्या है? डागो और भूल जाओ ये भी है। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 18, ध्रुवा क्या है? तो ध्रुवा है आपका एक हेलीकॉप्टर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर है आपका ध्रुवा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, विच कंट्री इज द बिगेस्ट इम्पोर्टर ऑफ आर्म्स इन द वर्ल्ड। अब देखो कभी कभी हम लोगों को ऑप्शन के हिसाब से देखना होता है। इंडिया है, लार्जेस्ट है इंडिया, लेकिन फॉलोड बाय सऊदी अरबिया एंड चाइना है, ठीक है। लेकिन आपको ऑप्शन में तो सऊदी अरब और चाइना नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन के हिसाब से इंडिया आपका बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स इन द वर्ल्ड हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं फटाफट, फ्रॉम विच कंट्री इंडिया परचेजेज इट्स मैक्सिमम डिफेंस इक्विपमेंट। आप लोग थोड़ा सा शेयर कर दिया करो, क्या पता किसी का भला हो जाए और किसी का सिलेक्शन हो जाए, अच्छे से वो पढ़ाई कर लेगा आपके शेयर करने की वजह से। क्योंकि चैनल पे आप लोग पता ही है 140,000 स्टूडेंट है, तो बाकी स्टूडेंट को नहीं पता है। जो चैनल पे है उन्हें तो पता है, लेकिन जो चैनल पे नहीं है उन्हें नहीं पता है, तो उन तक पहुंचाने का ड्यूटी आप लोगों का है। ज्यादा लोग देखते हैं, ज्यादा व्यूज आता है, ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो लेक्चर और जल्दी जल्दी लाने का कोशिश करेंगे। तो ये आप लोगों की ड्यूटी है कि आप लोग शेयर करो। फ्रॉम विच कंट्री इंडिया परचेजेज इट्स मैक्सिमम डिफेंस इक्विपमेंट। तो ये काफी आसान क्वेश्चन है और काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट एग्जाम में आता है कि इंडिया जो है सो डिफेंस के लिए सारा सामान, मैक्सिमम सामान कहाँ से, किस कंट्री से खरीदता है। तो इसका आंसर हो जाएगा USA। उम्मीद करता हूँ आपको काफी अच्छा लगा होगा और ये 20 क्वेश्चंस से मोर देन 100 क्वेश्चंस के बराबर का कंसेप्ट सीखे होगे। और यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो आप गारंटी एग्जाम में बना लोगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मन से एग्जाम का तैयारी करते रहो। बाय, थैंक यू।